नमस्कार, वक्त है न्यूज एट फोर का। मैं हूं स्नेहलता। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां नव निर्वाचित प्रधान के दबंग प्रत्याशियों की शर्मसार करने वाली तस्वीर सीतापुर से आई है, जहां जीत के जश्न के दौरान गांव के एक बुजुर्ग को पूर्व प्रधान बनाकर जमकर पिटाई की। इस दौरान माइक पर उससे कई सवाल भी कर रहे हैं दबंग युवा। पूर्व प्रधान बनाकर सरकारी योजनाओं में कितना भ्रष्टाचार किया, कितनों के मकान बनवाने में रुपए खाए, मृतकों को मिलने वाली राशि में कितना लिया, इस तरह के सवाल पूछकर नौटंकी कार्यक्रम लगाया गया, जिसमें बढ़ती संख्या में लोग इकट्ठे हुए और दबंगों ने बुजुर्ग को पूर्व प्रधान बनाया था और उसे हकीकत में पीटा। पूरा गांव दबंग की इस हरकत को देखता रहा, ताली बजाता रहा। ये कैसा तमाशा है, कहां है प्रशासन, ये कैसी नौटंकी है, ये कैसी नौटंकी है और इस किसी गांव में यहां प्रशासन और यहां के लोगों के लिए ये कैसा मनोरंजन का विषय है। या आपको बताएं, मजे के लिए, सिर्फ मजे के लिए इस बुजुर्ग शख्स को पूर्व प्रधान डमी बनाया गया है और इसे जीत के जश्न में लोग अपना खुंदक निकाल के कुछ इस तरीके से इसका आनंद ले रहे हैं। भूल जाइए कोरोना, किस किस नियम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, मानवता कहां है, ये सारी चीजें समझ पाना बेहद मुश्किल है इन तस्वीरों से। भाई पूर्व प्रधान के प्रति जितनी नाराजगी थी वोटों के जरिए निकाल ली गई है, वो परिवर्तित हो चुका है। और इतना भ्रष्टाचार, इतने घोटाले, तो इसकी शिकायत करके, कानूनी जांच करके तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है अपने पूर्व प्रधान के लिए, वाकई ये कानून व्यवस्था के लिए भी बड़ा सवाल है कि लोग इतने भरे पड़े हैं अपने पुराने प्रधान के लिए कि उसकी हार का जश्न ऐसे मना रहे, वो भी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। इनके आसपास भी यहां पे लोगों को जानकारी नहीं होगी, इसके बारे में बात करना भी बेमानी है, लेकिन ये मनोरंजन का साधन है। आसपास से लोग इकट्ठे होकर मजे ले रहे हैं। शख्स को, बुजुर्ग शख्स को डमी बनाकर और बताया जा रहा है ये पूर्व प्रधान है और इससे मजे लेने के लिए तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जीत के जश्न की ये अजब नौटंकी है। एक तो जीत का जश्न नहीं होना चाहिए, जिस किसी का भी ये प्रत्याशी है शर्म आनी चाहिए। अगली तस्वीर, फतेहपुर मेहात गांव में महिला ग्राम प्रधान के बेटे को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप ये है कि थाना अध्यक्ष प्रधान प्रतिनिधि को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी थरीगांव को जांच के आदेश दिए। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रभारी निरीक्षक हंदगांव द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत जांच मेरे द्वारा की जा रही है। प्राथमिक जांच में पाया गया कि ग्राम अखरी में प्रधान पुत्र द्वारा जो है गांव के लोगों को धमकाया जा रहा था। इस संबंध में जांच करने हेतु प्रभारी निरीक्षक हदगांव ग्राम अखरी पहुंचे थे, वहीं पे इस तरह की घटना घटित हुई है। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को जांच उपरांत प्रस्तुत की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद गांव में मारपीट और चुनावी रंजिश की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला शहर से सटे ग्राम पंचायत कामना खेड़ा का है।
जहां नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान महाराज सिंह यादव और उसमें निवर्तमान ग्राम प्रधान नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य हाजी रिजवान के बीच जमकर बवाल हुआ। बवाल को शांत कराने के लिए एसडीएम सदर अमित भट्ट, सीओ सिटी पीयूष कुमार, कई थानों की पुलिस के साथ पहुंचे। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ है। अगर आप यहां की बात करेंगे तो मंगेर मऊ गांव है, चुनाव हारे प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने जीत दर्ज किए प्रत्याशी के घर पर हमला बोल दिया। इस दौरान घर में रखा सामान तोड़ा। आरोप है कि दबंगों ने घर की महिलाओं के साथ मारपीट की। पीड़ित की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बिजनौर में स्वास्थ्य सेवाओं का काफी बुरा हाल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो जिसमें एक बीमार महिला ई रिक्शा पर लेटी हुई है। बताया जा रहा है कि सरकारी और निजी अस्पताल में महिला को एडमिट नहीं किया गया, जिसके बाद परिवार वालों ने ई रिक्शा में ही ऑक्सीजन लगाकर इलाज शुरू किया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरी यूपी की स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल है। ना अस्पताल ना स्वास्थ्य कर्मचारी, ई रिक्शा में इस तरीके से ऑक्सीजन देकर जान बचाने की जद्दोजहद। बिजनौर की तस्वीरें, बेड खाली नहीं है, कर्मचारी व्यवस्थाएं सारी चीजें ध्वस्त हो चुकी हैं। इसी बीच एक और तस्वीर, तो बदहाली को बयां करती है बिजनौर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस महिला को पहले अस्पताल के लिए कोशिश की गई, ट्राई किया गया कि कहीं बेड मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता है। ऐसे में ऑक्सीजन सपोर्ट किस तरीके से दिया जा रहा है ई रिक्शा पर, यह आपके सामने है। बिजनौर की तस्वीरें हैं जहां पूरे प्रदेश से ऐसी तस्वीरें मानो लगातार आ रही हैं, जिसमें कहीं बेड ना मिलना, अस्पताल से सुविधाएं ना मिल पाना, ये आम सी खबर है। ऐसे में ई रिक्शा पर ही ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। नोएडा में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए विधायक पंकज सिंह सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान विधायक ने अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक की, अस्पतालों के हालातों का जायजा लिया, कोरोना मरीजों से मुलाकात की, उनके हालचाल भी जाने। तस्वीरें देखें आपकी आपने, और चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की पत्नी कोरोना से ठीक हो गई हैं, वो कोरोना से मुक्त हो चुकी हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, अब उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की धर्म पत्नी कोरोना को मात दे चुकी है, वो घर वापस आ रही है। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल से बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने हैं, जहां अस्पताल परिसर में पीपीई किट को खुले में फेंका जा रहा है। बताया जा रहा है पीपीई किट इस्तेमाल की जा चुकी है, ऐसे में आशंका इस बात की है कि संक्रमण फैल सकता है। इतना ही नहीं, मरीज के परिवार वालों को भी कभी यही आरोप है कि वार्ड बॉय के भरोसे कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। पूर्वांचल में अच्छी खासी तादाद है लोग जब बीएचयू जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन वहां की व्यवस्थाएं कैसी हैं ये आपकी आंखों के सामने है। पीपीई किट संक्रमण फैलने के कितने अहम जरिया का काम कर सकता है, ये मेडिकल जो वेस्ट होते हैं इसको तरीके से डिकम्पोज किया जाता है, हटाया जाता है, इस तरीके से खुले में फेंकने से संक्रमण का खतरा रहता है। बावजूद इसके ऐसी अगर लापरवाही अस्पताल प्रशासन अस्पताल परिसर के भीतर होगी तो फिर क्या ही कहा जा सकता है।
ऐसे में परिजन तो ये भी आरोप लगा रहे हैं जो तमाम तीमारदार हैं कि सिर्फ वार्ड बॉय के भरोसे ही कोरोना के पेशेंट्स चल रहे हैं, उनकी देखरेख उन पर हो रही है। तो बदहाली है, बीएचयू परिसर का हाल देखिए। आरएलडी के राष्ट्रीय और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का निधन हो गया है। अजित सिंह कोरोना संक्रमित थे। गुरुग्राम के एक अस्पताल में फेफड़ों के संक्रमण के चलते उन्हें भर्ती कराया गया। संक्रमण बढ़ने की वजह से उनकी हालत नाजुक होती चली गई। आपको बता दें, चौधरी अजित सिंह 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए। 82 साल की उम्र में आज उन्होंने आखिरी सांस ली। चौधरी अजित सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। सीएम योगी, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेताओं ने चौधरी अजित सिंह के निधन पर शोक जताया। तो किसानों की आवाज के तौर पर देखे जाते हैं चौधरी अजित सिंह, जहां पर कोई भी किसान खुलकर अपनी समस्या इन तक पहुंचा सकता था, दिल्ली तक पहुंचा सकता था, ऐसी छवि रही है। और केंद्रीय मंत्री से लगाए किसान नेता की छवि, कई जिम्मेदारियां रही हैं इनके पास, और ऐसे में इनके निधन पर संवेदनाओं को व्यक्त करने वाले लोगों का तांता लग गया। ट्विटर के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये संवेदना व्यक्त की है, विनम्र श्रद्धांजलि दी है, जहां प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को परम धाम में स्थान मिले, शोकाकुल परिजनों को अथाह दुख सहने की प्रभु शक्ति दें, ओम शांति। बिजनौर की बात कर ले तो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए 5 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डोर टू डोर जाके लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मगर निगरानी समिति की तरफ से जागरूकता के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। सदस्यों के पास ना तो पल्स ऑक्सीमीटर है, ना ही थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा है। अब ये बताइए कि इस तरीके की जानकारी का क्या फायदा। गाँव में लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है। टेम्परेचर नापने के लिए कई लोगों के पास हो सकता है कि ढंग के थर्मामीटर ना हो। अगर डोर टू डोर पहुंचा ही जा रहा है तो क्यों ना इन सारी चीजों के साथ लोगों की असल मदद हो। बस ये है कि अभियान पूरा हुआ बिजनौर में। हमारे यहाँ निगरानी समितियाँ 2509 और जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स हैं वो 47, उनका अलग काम है, उनका अलग काम है। दवा घर घर पहुँचाना उन लोगों के लिए भी जो पॉजिटिव आए हुए हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनका अभी टेस्ट नहीं हुआ है लेकिन उनके पास लक्षण हैं, उनको भी दवा पहुंचाने की कार्रवाई, उनका अभियान कल से प्रारंभ। श्रावस्ती में लॉकडाउन में छूट होते ही सड़कों पर लोगों की भीड़ लगती है। ये हालात तब देखे जा रहे हैं जब बाजारों में चुनिंदा दुकानें ही खोलने के आदेश जारी हैं। दुकानों को खुलते देख भारी संख्या में लोग निकलते हैं। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग की लोग जमकर अनदेखी करते हैं। श्रावस्ती की तस्वीरें। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए यूपी में कर्फ्यू जो लगाया गया है, अब सोमवार 10 मई तक सुबह 7 बजे तक इसे बढ़ाया गया है। प्रयागराज की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पौश इलाके में सड़कों पर सन्नाटा है, वहीं लोग खुद अपने घरों में कैद हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। लेकिन शहर के पुराने हिस्से की आप बात करेंगे तो आम दिनों जैसी चहल पहल है, आवाजाही बनी हुई है, टेम्पो, रिक्शा, ट्रॉलियां बेधड़ल्ले चल रही हैं, तमाम लोग बेवजह सड़क पर घूम भी रहे हैं। कंटेनमेंट जोन इसकी बात करेंगे तो उसके अंदर भी वाहन चल रहे हैं, लोग पैदल घूम रहे हैं। कंटेनमेंट जोन की हालत है कि बैरिकेडिंग पार करके लोग मजे से आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो कर्फ्यू लगाया गया था उसे अब सोमवार यानी 10 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ इस कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जो पौश इलाके हैं, जो नया फंसा हुआ शहर है, वहाँ तो इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर लोग घरों में ही कैद हैं, बाजार पूरी तरह से बंद हैं, सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, और जो जिनको बेहद ज़रूरी काम है, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, वही बाहर निकल रहे हैं। लेकिन पुराने शहर का जो हाल है वो बेहाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं नूरुल्ला रोड पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ सड़कों पर खासी चहल पहल है, हालात बिल्कुल आम दिनों जैसे हैं। रिक्शे चल रहे हैं, ट्रालियाँ चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं, और तमाम लोग जो है वो बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। महिलाएँ निकल रही हैं, उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे इन लोगों को कोरोना का कोई खौफ ही नहीं है। लोगों की आवाजाही कंटेनमेंट जोन का, ये देखिए साफ तौर पर बोर्ड लगा हुआ है,
बैनर लगा दिया गया है, रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की अच्छी खासी संख्या में, देखिए एक साथ 5 ई रिक्शा हमको नजर आ रहे हैं, लोग बाइक चला रहे हैं, लोग पैदल घूम रहे हैं, और सामने जो भाई साहब चले आ रहे हैं इन्होंने तो मास्क तक नहीं लगा रखा है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो इस बार खास मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है, वो लोगों से रोक टोक नहीं कर रहा है, और यही वजह है कि जो पुराना शहर है वहाँ पर लोग बेखौफ होकर सड़कों पर निकल रहे हैं। आम दिनों जैसी ही चहल पहल है, और जैसा हम पहले देख रहे थे पिछले महीने अप्रैल के महीने में कि कोरोना की महामारी से पूरे शहर में कोहराम मचा था, तो शायद वही हालात एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और उधर हरिद्वार से बड़ी खबर है, लक्सर के 2 गुटों में झड़प हुई है, दोनों पक्षों के बीच गोलियां चली हैं, गोली लगने से 2 लोगों की मौत भी हुई है, बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाना पड़ा है। तो लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, 2 गुट में ऐसी झड़प जहां गोली लगने से 2 लोगों की मौत भी हो गई। तो इस वक्त खबर लक्सर से, गोली लगने से 2 लोगों की मौत हुई है झड़प के बाद। ग्रामीणों पर हमले का वीडियो सामने आया है, हमले का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि तेंदुआ किस तरह से ग्रामीणों पर हमलावर है। वीडियो थाना रामपुर मथुरा इलाके का है। हमले के बाद तेंदुआ जंगल में छिप गया। अब इसे पकड़ने के लिए पिंजरा बिछाया जा रहा है। तो ये काफी घातक, जहां जंगली जानवर से भिड़ते 2 लोग साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, तेंदुए से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं लाठी डंडे के भरोसे, लेकिन यहां गनीमत रही कि तेंदुए ने एक झपट्टा मारने के बाद वो वापस मुड़ गया। सीतापुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी लंबी छलांग मारता है तेंदुआ और शख्स के ऊपर हमलावर। उस शख्स को कितनी चोटें आई होंगी, और बस गनीमत ये रही कि ये तेंदुआ तुरंत झाड़ियों में वापस चला गया। चलिए अब रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पंचायत चुनाव में यूपी के लोगों ने एक जनादेश दिया है आम आदमी पार्टी की मजबूत दस्तक के तौर पर। आप समर्थित 83 जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं, ये बड़ी खबर है, जहां आपके समर्थन से 300 ज्यादा ग्राम प्रधान बने हैं, 225 बीडीसी सदस्य भी चुने गए हैं। पंचायत चुनाव में आप समर्थित प्रत्याशियों को 40 लाख वोट मिले, तो कुल मिला के ये अच्छा आगाज है, मनोबल बढ़ाने वाली स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से किसी खुशखबरी से कम नहीं है ये आम आदमी पार्टी के लिए, जहां पंचायत चुनाव गांव के लोगों ने इनके समर्थित उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। ये डिजिट काफी उत्साह बढ़ाते हैं, ये नंबर काफी उत्साह बढ़ाते हैं। गोरखपुर में भाजपा नेता की हत्या में फरार चल रहे बदमाशों को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार किया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ मुठभेड़ भी हुई है। बदमाशों पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, तो वहीं 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बदमाशों के खिलाफ पंजाब और यूपी में कई मुकदमे दर्ज हैं। मथुरा की खबर है, जहां कैंटर और मैक्स पिकअप में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, 6 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। थाना हाईवे इलाके के भरतपुर रोड का मामला बताया जा रहा है। राजस्थान से बारात लेकर नरोरा जा रहे थे, और इसी दरमियान यह हादसा पेश आया। देवरिया के पथरदेवा ब्लॉक में मेदीपट्टी गांव में पिता के ग्राम प्रधान निर्वाचित होने के बाद उनके बेटे ने गांव के विकास के लिए अपने पास से 1 करोड़ रुपए दिया। मामला पथरदेवा ब्लॉक के मेदीपट्टी गांव का है। गिरजा श्रीवास्तव प्रधान चुने जाते हैं, बेटे का नाम है सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव,
तो गांव में नाली सड़क निर्माण के लिए उन्होंने सौगात दी। सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव उत्तराखंड में अपना व्यवसाय करते हैं और पिता के प्रधान बनने के साथ ही अपने गांव के बेहतरी के लिए 1 करोड़ रुपए दिए। इस वक्त जहां कोरोना संक्रमण काल ये दौर चल रहा है, इसी को देखते हुए पार्क प्रशासन ने बाघ, तेंदुए और दूसरे जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए जगह जगह कैमरा ट्रैप किए हैं। इसके साथ ही जानवरों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दुधवा नेशनल पार्क की बात करें तो फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि फिलहाल 1 मई से पर्यटन को बंद किया गया है। साथ ही कैमरा ट्रैक के जरिए बाघ, तेंदुए, बाकी जानवरों के निरीक्षण को देखा जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है अलग अलग जगहों से, ताकि कोई लक्षण दिखे जैसे छींकना या कोई अलग तरीके की हलचल, एंग्जाइटी, तो इन सारी चीजों को मेजर किया जाएगा, चेक किया जाएगा, साथ ही उन जानवरों को अलग किया जाएगा। तो देखिए, ये दुधवा नेशनल पार्क की तस्वीरें हैं जहां पर जंगली जानवरों की भी चिंता सता रही है, क्योंकि इनको सुरक्षित रखा जा सके, किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में मेडिकल स्टाफ हो, तमाम चीजें ये नजर रखी जाए, इसके लिए ट्रैप कैमरा और निगरानी को बढ़ाया गया है दुधवा नेशनल पार्क में। यहां बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में तमाम जानवरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है, क्योंकि इनमें कई जानवर ऐसे भी होते हैं जो इंडेंजर्ड होते हैं, रेड डाटा बुक में उनका नाम है या फिर इनकी संख्या बहुत सीमित है, तो उनकी बचाव और सुरक्षा एक अहम जिम्मेदारी होती है। न्यूज़ 4 में इतना ही, तमाम खबरों के लिए बने रहिए बीपी गंगा के साथ।